हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरवी गोश्त की रेसिपी। हम इसे एकदम सिंपल वे में बनाने वाले हैं और हम इसे बहुत ही मज़ेदार बनाने वाले हैं, क्योंकि जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, मैं इन्हें आपको लिख दूँगी। और ये दो प्याज हैं, दो टमाटर हैं, और यहाँ पर लिए हमने जी 5 से 7 हरी मिर्च। तो ये कुछ पाउडर मसाले हैं और गोश्त है 1 kg और 500 ग्राम है अरवी। तो फिर हमने, मैं आपको दोबारा से बता दी हूँ मसाले में क्या क्या है। 2 है तेज़पात के पत्ते, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा है और जावित्री है, 2 दालचीनी के पीस हैं, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10-12 लौंग और 10-15 हैं काली मिर्च, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच है नमक। फिर जी यहाँ पर ली थी 500 ग्राम ये अरवी, तो बहुत अच्छी अरवी थी ये, यानी सॉफ्ट, जल्दी से ही गल गई थी। और यहाँ पर लिया 1 कप ऑयल, और ऑयल के अंदर हमने सभी खड़े मसाले डाल दिए और 2-3 मिनट के लिए हमने इन्हें सॉफ्ट। फिर ये ली थी हमने प्याज, ये दरमियानी साइज़ की प्याज थी, तो यानी मीडियम साइज़ की, और हमने इन्हें काट लिया था और फिर डाल दिया है ऑयल के अंदर मसालों के साथ। तो थोड़ा सा हमने इसका कलर चेंज कर लेना है, यानी जब हल्का सा पिंक सा गुलाबी सा हो जाए। तो देखिए जी, हमने गोश्त भी डालकर भून लिया है, हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट गोश्त डालकर भुना, और 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और तुरंत ही यानी फ़ौरन उसी के बाद हमने डाल दिए मसाले, ये जो हमने पाउडर मसाले लिए थे। और फिर जी हमने मसाले डालकर भून लेना है, तो हमने थोड़ा सा भूनना है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड किया था, क्योंकि मसाले डाले हैं तो पानी भी ऐड कर लिया है। फिर उसके बाद हमने ये 2 टमाटर भी डाल दिए थे, तो टमाटर डालकर हम इसमें लगा लेंगे सीटी। तो हमने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ आधा गिलास पानी इसमें ऐड करना है, और फिर हमने इसे पका लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, यानी कि 10 मिनट। तो हम 10 मिनट इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा भुन गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए जी, हमने कुल मिलाकर इसमें आधा गिलास पानी डाला है। तो 10 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पका लिया था, और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी 100 ग्राम दही। तो हमने यहाँ पर टमाटर भी यूज़ किए हैं और दही भी डाल दी है, तो दोनों इतनी डालेंगे कि बैलेंस बना रहे और टेस्ट ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमने ये अरवी को इस तरह से काट लेना है, बीच में से कट मार के, और आप चाहें तो हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी 1 में से 2 कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसके अंदर, हमने इसके अंदर डाल दिया था पानी, पानी डाला है 1 गिलास, क्योंकि अब हमने अलग से सीटियाँ और लेनी है, इसमें 2 सीटियाँ ले ली हैं हमने, तो 2 सीटियों में ये अच्छी तरह से गल गई थी। अगर आपकी अरवी ना गले तो फिर आप 3 सीटियाँ ले सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पतला इसमें शोरबा रखना है तो फिर 1.5 गिलास पानी डालें, और अगर थिक ग्रेवी चाहिए तो फिर 1 गिलास भी बहुत रहेगा। तो इस कोई कोई जो है पतले शोरबे खाते हैं, यानी पतला सालन खाते हैं, करी खाते हैं, तो इसलिए आप इसमें 1.5 गिलास पानी, 2 गिलास पानी यूज़ कर सकते हैं। फिर ऊपर से डाल दिया था 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 5-6 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया।
तो ये डालकर हमने इसे गार्निश कर लिया था और फिर हमने इसे डिश आउट कर लिया। तो ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई थी, यानी अरवी गोश्त। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और जिसके लिए भी बनाएंगे, ये दावतों में भी बनाया जाता है, जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ये बनाकर खिलाइए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।